Assalamualaikum viewers, आज का हमारा प्रोजेक्ट है 17 चैनल एलईडी लाइट चेजर। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास अर्डिनो का कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है, इसके साथ ही सिमुलेशन की फाइल है। तो इसको आपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके साथ हमने 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है एलईडीज की रनिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने एक विचुअल टर्मिनल यूज़ किया हुआ है, के बाद 1700 ओम की रिस्टेंसी यूज़ की हुई है, इसके बाद 17 LEDs यूज़ की हुई है। LEDs की पॉजिटिव हमने अर्डिनो की पिन के साथ अटैच की हुई है 100 ओम की रिस्टेंस को सीरीज में अटैच करके, और इसके बाद LEDs की नेगेटिव हमने ग्राउंड के साथ अटैच की हुई है। चलिए अब सिमुलेशन रन करने के लिए अर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने अर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है, और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है अर्डिनो यूनो। अब आपने यहाँ से कोड को कंपाइल कर लेना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। अगर आपको एड्रेस यहाँ पे शो नहीं होगा तो आपने अर्डिनो के फाइल्स में जाना है, वहाँ से आपने प्रेफरेंसेस में जाना है, वहाँ से आपने कंपाइलेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद कोड को दोबारा कंपाइल करेंगे तो नीचे आपको एक्सफाइल का एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने अर्डिनो में पुट कर देना है। ओके करके फाइल आपने यहाँ से रन कर लेनी है। जैसे ही हम फाइल रन करते हैं LEDs हमारी रनिंग करना शुरू हो जाती हैं, और साथ ही हमने जो करंट इफेक्ट हमारा रन हो रहा है उसको हमने सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है। तो जैसे कि अभी इफेक्ट 1 हमारा विजुअल टर्मिनल के थ्रू हमने शो किया हुआ है, इसी तरह ही 12 मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट हम रन कर रहे हैं इसमें। तो साथ ही हम सीरियल के ऊपर प्रिंट भी करते जा रहे हैं जो इफेक्ट हमारा रन हो रहा है। इसके बाद यहाँ से पोटेंशियोमीटर से हम इसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो LEDs हमारी फास्ट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई हुई हैं। 1 इफेक्ट हम 3 टाइम रिपीट कर रहे हैं, इसी तरह 2 इफेक्ट भी हम 3 टाइम रिपीट कर रहे हैं। टोटल हमने 12 इफेक्ट रन किए हुए हैं, और जैसे ही 12 इफेक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं तो फिर दोबारा से 1 इफेक्ट से शुरू हो जाता है, और साथ हमें सीरियल पे शो कर रहा होता है कि कौन सा इफेक्ट हमारा रन हो रहा है। तो अभी जैसा कि हमारा 2 इफेक्ट रन हुआ है तो सीरियल मोनीटर पर हमें शो हो गया हुआ है कि अभी इफेक्ट 2 रन हो रहा है। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड पर रख दिया हुआ है, तो अभी ये तेज़ तेज़ इफेक्ट हमें रन होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर से हम इनकी स्पीड इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह ही जैसे 12 इफेक्ट कंप्लीट होते हैं तो फिर 1 से शुरू हो जाते हैं। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का और भी दे देता हूँ। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, इसके बाद अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, इसके बाद हमने 1700 ओम की रेजिस्टेंसेस यूज़ की हुई हैं, और 17 LEDs यूज़ की हुई हैं। LEDs की नेगेटिव हमने ग्राउंड के साथ अटैच की हुई है, और पॉजिटिव पे 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ करके अर्डिनो की पिन के साथ अटैच की हुई है। तो इसी तरह ही हमने 17 LEDs अर्डिनो के साथ डायरेक्ट अटैच की हुई हैं। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए आप डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर के लिए जीरो पिन इनिशियलाइज की हुई है, इसके बाद रीड एडीसी की और डिले टाइम की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही हमने टोटल एलईडीज की वेरिएबल को 17 के इक्वल किया हुआ है। यहाँ पर हम सेट कर रहे होते हैं कि टोटल कितने चैनल का हमने चेजर बनाना है। इसके साथ ही हमने एलईडीज के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A1 से लेके 13 तक, तो हमारी 17 पिने बनती है। जितने चैनल हमने सेट किए होंगे उतनी पिने हमारी यूज हो जाए। इसके बाद ओवरड सेटअप है, ओवरड सेटअप में सबसे पहले हमने सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ 9600, इसके बाद पोटेंशियोमीटर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप रन किया हुआ है, जितनी क्वांटिटी हमने एलईडीज की सेट की होगी उतनी दफा ये फॉर लूप हमारा रन होगा, पिनों को आउटपुट मोड में इनिशियलाइज कर देगा। इसके बाद 500 मिलीसेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले हमने सीरियल पे प्रिंट किया हुआ इफेक्ट 1 और साथ ही हमने एक फॉर लूप रन किया हुआ 3 टाइम के लिए, जो हमारा इफेक्ट 1 का फंक्शन 3 दफा कॉल हो जाता है। इसी तरह ही सीरियल पे इफेक्ट 2 प्रिंट किया हुआ है और इफेक्ट 2 के लिए फॉर लूप रन किया हुआ है 3 टाइम के लिए। इसी तरह ही इफेक्ट 3 के लिए फॉर लूप रन किया हुआ है और साथ ही सीरियल के ऊपर प्रिंट किया हुआ है। इसी तरह इफेक्ट 4 के लिए साथ साथ उस इफेक्ट के फंक्शन को हम फॉर लूप के अंदर कॉल करवाते जा रहे हैं। इसी तरह ही इफेक्ट 5 और इसी तरह ही इफेक्ट 6 सीरियोमीटर पे प्रिंट किया हुआ है और साथ ही फॉर लूप रन किया हुआ है। इसी तरह ही इफेक्ट 7 के लिए फॉर लूप रन किया हुआ है, इफेक्ट 8 के लिए रन किया हुआ है, इफेक्ट 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए। जैसे 12 इफेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो एलईडीज ऑफ का फंक्शन कॉल कराया हुआ है और साथ ही गेट डिले का फंक्शन कॉल कराया हुआ है और यहाँ पर लूप हमारा एंड हो जाता है। इसके बाद दोबारा फिर 1 इफेक्ट से शुरू हो जाता है, इसी तरह लूप हमारा वर्किंग करता रहता है। इसके बाद एलईडीज ऑन का फंक्शन है तो यहाँ पर हम ऑल एलईडीज ऑन कर रहे होते हैं। इसके बाद एलईडीज ऑफ का फंक्शन है तो यहाँ पर हम ऑल एलईडीज ऑफ कर रहे होते हैं। इसके बाद इफेक्ट 1 का फंक्शन है तो यहाँ पर हम इफेक्ट 1 के लिए फॉर लूप रन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एलईडीज को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह ही इफेक्ट 2 का फंक्शन है, इसी तरह ही इफेक्ट 3 का फंक्शन है, इसी तरह ही इफेक्ट 4 का फंक्शन है, इसी तरह इफेक्ट 5 का फंक्शन है। तो हर फंक्शन के अंदर हम गेट डिले का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह इफेक्ट 6 का फंक्शन है, इफेक्ट 7 का फंक्शन है, 8, 9, 10, 11 और 12 और लास्ट में हमारे पास गेटर डिले का फंक्शन है। यहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर की पिन को एनालॉग रीड किया हुआ है, तो जैसा कि अर्डिनो यूनो के अंदर 10 बिट का एडीसी होता है तो यहाँ से हमने रीड एडीसी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। 10 बिट के एडीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1023 बनती है। यहाँ पर हमने 1023 वैल्यू को 2.046 पे डिवाइड किया हुआ है तो हमारे पास मैक्सिमम 500 वैल्यू बनेगी डिले टाइम के इक्वल किया हुआ है। और इसके बाद डिले टाइम की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है, अगर डिले टाइम की वेरिएबल 10 से ड्रॉप होगी तो 10 के इक्वल ही रहेगी। और साथ ही हमने डिले में ये वेरिएबल राइट कराई हुई है। अब जब भी ये फंक्शन कॉल तो जितनी पोटेंशियोमीटर से हमने 10 से लेके 500 मिलीसेकंड का डिले हम कंट्रोल कर रहे होंगे, जैसे जैसे डिले डिक्रीज होता जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे डिले इंक्रीज होता जाएगा और स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। तो ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म कर लेना है डिनो यूनो, इसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अर्डिनो में अपलोड कर लेना है। डन अपलोडिंग, पोर्ट हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।